आज हम बना रहे हैं चिकन की हरीस। ये है 1 किलो चिकन, हरी मिर्ची है 1-9 हरी मिर्ची, 10 जिसको जितना मिर्ची खाना है उतनी डाल लीजिए। ये है नींबू, पुदीना, ये साबुत पूरा फुल गरम मसाला। ये है गेहूं का मोटा रवा, ये 100 ग्राम, 1 चम्मच माश की दाल, 1 चम्मच चने की दाल, ये 6 प्याज है इसको तल लीजिए, 1 चम्मच बासमती चावल, 1 चम्मच खरबूजे की बीज है, ये 6-7 काजू है। ये अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये हम ये सब भिगा लेंगे। ये भीगने से हलीम बहुत अच्छी, माशाल्लाह अच्छी बनती हलीम। ये सब आइटम्स हमने भिगा लिया है, ये सब भीगने से हरीस माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम शुरू करने वाले हैं हरीस की तैयारी। ये रहा हमारा चिकन, इसके अंदर अब डालेंगे हम पानी गलाने के वास्ते। अब हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं हरी मिर्च, अब हम इसके अंदर डालने वाले हैं कबाब चीनी और काली मिर्ची। अब इसको हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और चूल्हे पे रख देंगे। अब इसको अच्छा गलने तक छोड़ दीजिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब हम प्याज तलने वाले हैं, तेल गरम हो चुका है हमारा, अब प्याज डाल दीजिए तेल में और थोड़ी थोड़ी करके डालिए, नहीं तो पूरा तेल ऐसा उबल के नीचे गिर जाता। अब हमारी प्याज तल चुकी है, अब हमें निकाल देंगे। ये देखिए एक कलर में निकाल लीजिए प्याज बर्तन में। अब ये हमारा गोश्त गल गया है, अब इसको हड्डियों से गोश्त को अलग कर लीजिए। अलग कर लीजिए ऐसा चम्मच से गरम। अलग कर लिए। अब पानी हम छान ले रहे हैं। अब इसे अच्छी तरह से मैश कर लीजिए। अब इसके अंदर रवा डाल दीजिए, हलीम का, हरीस का रवा डाल दीजिए इसके अंदर। ये माश की दाल, चने की दाल, खरबूजे की बीज, बासमती चावल, काजू है, इसको हमने 3-4 घंटे पहले भिगो के रख लिया है। अब ये हरीस को गलाने के लिए चढ़ा दिए और नीचे ऊपर अच्छी तरह से इसको घेटिए, वरना ये नीचे दाग लग जाएगा। हाथ चलाते जाइए इसके अंदर, अच्छी तरह हाथ चलाइए।
अब ये दाल और ये काजू ये सब हम पीस लेंगे ग्राइंडर में। इसे बारीक से पीस लीजिए। अच्छी तरह बारीक बारीक पूरा बारीक हुए तक पीस लीजिए। अब इसे हरी इसमें ऐड कर लीजिए। हाथ चलाते जाइए हरी इसमें। अच्छा घेटिए इसको। अब इसके अंदर मसाला डाल दीजिए। ये दालचीनी है, ये गरम मसाला, पीसा हुआ गरम मसाला है। इसके अंदर सब लौंग, इलायची, शाजीरा, सब गरम मसाले के सब चीजें डाल के पीस, घर में पीस लिए सो है। ये रहा हमारा घी, घर में बनाए सो घी है ये। ये भी डाल दीजिए इसके अंदर। ये देखिए बन गई माशाल्लाह हमारी हरीस। ये देखिए आप भी बना के और घर पर खा के टेस्ट करके कमेंट करिए। रमजान स्पेशल ये बावर्ची स्टाइल हैदराबादी हरीस है। ये खास तौर आपके लिए हम बावर्ची से छोटी छोटी हर बात भी पूछ पूछ कर बनाए सो हरीस है ये। स्मार्ट अबजर कुकिंग चैनल मख्तल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को दबाइए और आप भी बनाकर खाइए। ठीक है, अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम।